को हमने कंट्रोल में रखा। कभी बीच बीच में स्टार्टिंग में थोड़ा अप एंड डाउन हुआ, लेकिन मैंने घबराने नहीं दिया आपको और मेंटेन कर लिया उसको, और आज तक भी वो बीपी हमारा एकदम ओके है, राइट है। एक साल हो गया जिसमें कि थोड़ा सा आपने भी धैर्य रखा, मेरा एज इट इज नहीं फॉलो किया। आपकी जो पत्नी है, मैं तो उनको प्रणाम करती हूँ कि भाई ऐसी पत्नी जिसने मेरी एक अक्षरा सा पालन किया। उन्होंने गीता ईद आहार जो मैंने बताया कि ये चीज़ खिलानी है इनको, ये चीज़ नहीं खिलानी, उसका पूरा पालन किया। जब व्यक्ति इस तरह का होता है तो क्यों नहीं ठीक होगा। हमको परीक्षण आपके शरीर पर करना है, हमको ये जो कागज का टुकड़ा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेर आज की स्थिति नहीं है कि हम इस पर करें। आपकी जो कंप्लेंट है मैं भी देखूंगी, आप भी मुझे बताओगे। मैंने शुरू से ही कह रखा है शिकायत का पूरा आपको खुल के आप शिकायत करोगे, सारी शिकायतों को हम सुनेंगे और उसको ठीक करेंगे, है ना। लेकिन कहीं किसी वजह से कोई उस तरीके का हमारे साथ सब कुछ ठीक है, एक चीज़ खराब नहीं हो सकती। तो उस तरीके से मैं हमेशा मेंटली भी अपने पेशेंट को सपोर्ट देती हूँ, और आपके जो सिम्टम है इस समय के बिल्कुल ठीक है, ओके है एकदम। तो आपको कोई घबराने की, कोई चिंता करने की कोई बात है नहीं। ये जो वीडियो जाएगा, वीडियो ट्रिप पर जाएगा, तो आप भी अपनी तरफ से लोगों से हाथ जोड़ के कह सकते हैं भाई किडनी का कहीं भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ ऑनेस्टली सॉल्यूशन मिलेगा। कोई हेर फेर नहीं होगा, मैं साधारण तरीके से जीवन जीने वाली हूँ और जनहित में ही काम कर रही हूँ। एक तरह से मेरे पेशेंट ठीक होते हैं तो सालों साल निकल जाते हैं उनके। अभी एक और है वो जो काना काम है उसको 5 साल होने जाते हैं। फिर कैंसर की पेशेंट है वो चौमू में, उसको भी 5-7 साल होने जा रहे हैं। उसकी भी चेन में बहुत सारे किडनी फेल होते थे, वो भी ठीक हो गए। मेरे खुद के घर में भी मेरे चाचा वगैरह थे, वो भी ठीक हो चुके। लेकिन मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लेके उनको, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ मैं, थोड़ा डराती हूँ, हाँ खाने पीने में बर्दाश्त नहीं करती, नहीं ऐसे ही चलना है। तो मैं उस तरीके से आप लोगों की हिफाजत करते हुए मैं चलती हूँ। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट मेरी है कि दूसरे लोगों को भी अपने को बचाना है, हिंदुस्तान से डायलिसिस की मशीनों को बाहर फेंकवाना है। और ट्रांसप्लांट का जो खेल चल रहा है ना, वो भी एक गलत वो है। हमारा ऑर्गन निकलने के बाद इंसान ना मरा हुआ ही हो जाता है। तो अपने को ट्रांसप्लांट से पहले ही आयुर्वेद चिकित्सक से मिलना है। मेरे पास आ जाएंगे, निश्चित रूप से सेव करूँगी। मैं ये गारंटी नहीं देती कि सभी आयुर्वेद चिकित्सक आपको ऑनेस्टली देखेंगे, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं स्वयं पूरा निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से और अपने पेशेंट की रक्षा करने में समर्थ होती हूँ। भगवान धन्वंतरी और भगवान की मेरे ऊपर ऐसे कृपा समझ लो आप, और मेरा पेशेंट भी ऑनेस्ट होना, अगर ऑनेस्ट नहीं होता तो मैं मना कर देती हूँ। आपने देखा ही होगा, मान लो मैं चिकित्सा नहीं कर पा रही हूँ तभी मैं मना कर देती हूँ। तो इस तरीके से है, आप भी दो शब्द बोल दो, ये वीडियो जाएगा। मैडम की तरफ से मेरे को फुल सपोर्ट मिला और जैसा जैसा इन्होंने कहा वैसा ही वैसा मैंने किया, और आज इनकी बदौलत मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया स्थिति। और किडनी में सिस्ट वगैरह आती है, भूख वगैरह कम लगती थी, अभी तो ठीक है सब कुछ, की कृपा है, कोई थकान नहीं है, बीपी भी नॉर्मल। पर यही है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैडम पे विश्वास करें, वो ठीक कर देंगे। हाँ, मेरा साधारण ये घर मकान सब साधारण है, तो लोग सोचते हैं कि हाई फाई होना चाहिए, वो हाई फाई मेरे पास है नहीं। तो क्योंकि हाई फाई होंगी तो मैं उतना ही पैसा फिर चार्ज करूँगी आपसे, लाखों रुपये में फिर मैं चार्ज कर लूँगी, उतना पैसा पेशेंट मेरे ऊपर ही लगा, अपने घर गृहस्थी में लगाया, तो हमको उतना ही चाहिए जितना आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ये है, बाकी आप सभी लोगों का धन्यवाद के प्रीति जी ने आपको बहुत अच्छी तरीके से देखा, और बच्चों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, कई तरह से डिमोडाइज भी करते हैं घर वाले, कभी वो होपलेस हो जाता, मन खिन्न हो जाता, फिर दवाइयाँ नहीं लेता ऐसे। आपके यहाँ सारे लिटरेरी लोग हैं और बहुत ध्यान से अच्छा मतलब केयर करती हैं, इस वजह से भी मैं आपको ठीक कर पाई। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।